तो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड, फुल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक में आज बहुत जबरदस्त और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं फ्रेंड्स। ये टॉपिक किससे लिया गया फ्रेंड्स? सर्कल से। तो फ्रेंड्स, सर्कल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स सर्कल पे आपके पेपर में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो इसके पहले भी फ्रेंड्स मैं कई वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ टॉपिक वाइज, जैसा कि आप लोगों को सिक्वेंस से चीजें बेहतर तरीके से मिल रही है। तो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है फ्रेंड? कॉन्सेप्ट कह रहा है कि इफ ए टेंजेंट सी डी एंड ए कॉर्ड ए बी ऑफ ए सर्कल मीट एट ए पॉइंट सी आउटसाइड द सर्कल, यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि वृत्त की कोई स्पर्श रेखा सी डी एक जीवा जो है ए बी वृत्त के बाहर किसी बिंदु सी पर मिले, तो क्या होता है फ्रेंड्स? सी डी स्क्वायर इज इक्वल होता है सी बी इंटू सी ए। यानी फ्रेंड्स क्या होता है, सी डी का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान देना, जो टेंजेंट लाइन सी पर जाके मिलेगी, तो यानी सी डी का स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है सी बी और इनटू क्या होता है सी ए। ये अपने दिमाग में फ्रेंड्स आप लोग चीजों को बेहतर तरीके से सेट कर लीजिए। कैसे करेंगे फ्रेंड्स? सी डी का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा सी बी इनटू क्या हो जाएगा सी ए। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स आपके दिमाग में चीजें सेट हो गई होंगी। अगर नहीं सेट हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, क्वेश्चन के माध्यम से एकदम बेहतर तरीके से चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि आकृति में जैसा कि दिख रहा है एक्स वाई जेड एक छेदक रेखा है फ्रेंड्स, इसी को सीकेंट लाइन बोलते हैं, ध्यान देना, इसी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सीकेंट लाइन यानी छेदक रेखा बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान देना है कि एक्स वाई जेड एक छेदक रेखा है। जेड टी कह रहा है कि बिंदु टी पर जो है क्या करती है, स्पर्श करती है, यानी टेंजेंट लाइन है। यदि टी जेड बराबर आपको कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, टी जेड बराबर 12 सेंटीमीटर, और वाई जेड बराबर कितना दिया है फ्रेंड्स 8 सेंटीमीटर दिया है। तो आपसे एक्स वाई की लंबाई पूछा है, इसको हम मान लेते हैं कि फ्रेंड्स क्या है एक्स बराबर आपसे पूछा गया है। तो अभी अभी हमने क्या कहा फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे, जो ये टेंजेंट लाइन है इसका स्क्वायर करेंगे, टी जेड का स्क्वायर करेंगे, 12 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा 144 इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स जेड वाई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 8 इंटू ये कितना हो जाएगा जेड यक्स हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 8 प्लस यक्स हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, अगर इसको मैं 8 से काटूं कितनी बार चला जाएगा फ्रेंड्स 8 और 8 64 यही हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 18 माइनस का 8 घटा देंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड 10 सेंटीमीटर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स? डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स के दिए गए चित्र में PAB, ये जो PAB दिख रहा है फ्रेंड्स एक सेकेंट है, और PT जो है वृत्त की बिंदु T पर जो है क्या है खींची गई एक स्पर्श रेखा है। यदि PT बराबर आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, PA बराबर फ्रेंड 4 सेंटीमीटर दिया है, और AB बराबर x सेंटीमीटर दिया है, तो x का मान ये आप लोगों से पूछा गया है, इस बात का ध्यान देना। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स? PT का स्क्वायर कर देंगे फ्रेंड्स, यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल फ्रेंड्स PA करेंगे, PA यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 4 इंटू, देखिए फ्रेंड्स जहां पे आपके पॉइंट मिलेगी बाहर, इस बात का ध्यान देना, इसके करीब से पहले यहां पे आया करेंगे 4, फिर ये कंप्लीट पूरा ले लेंगे, इस बात का ध्यान देना कितना हो जाएगा 4 प्लस यक्स हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। तो यहां से देखिए फ्रेंड्स आपको कितना हो जाएगा 25, ये 25 4 इधर चलाएगा तो 25/4 इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 4 प्लस यक्स हो जाएगा। तो मुझे यक्स का मान चाहिए तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 25/4 माइनस का 4, 4 LCM हो जाएगा तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा। क्लियर है? तो 25 में से 16 घटा देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 25 में से 16 घटा देंगे तो 9/4, यानी x की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी आ जाएगी 9/4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन फ्रेंड्स दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान देना, और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा भी जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स ये आपको ध्यान देना है कि अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स ओ केंद्र वाले एक वृत्त के क्यू बिंदु पर एक स्पर्श रेखा क्या है PQ है।
तो यानी ध्यान समझना कि फ्रेंड्स एक आपके पास क्या है, ये सर्कल है और इसका जो केंद्र है वो फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि ओ है। फिर कह रहा है वृत्त के क्यू बिंदु पर एक स्पर्श रेखा पी क्यू है, तो यानी क्यू जो है बिंदु पर एक स्पर्श रेखा है, तो ये क्यू हो गया, तो ये फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, जिसकी लंबाई कह रहा 6 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है। पी से एक बिंदु ए को जोड़ने वाली, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से एक बिंदु को जोड़ेंगे तो ये थोड़ा सा फिगर इधर चला आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा ए, यही हो जाएगा जोड़ने वाली। एक अन्य बिंदु बी, एक अन्य बिंदु यानी ये बी, इसी को सीकेंट लाइन या छेदक रेखा भी बोलते हैं। ए को जोड़ने वाली रेखा वृत्त पर अन्य बिंदु बी पर मिलता है, पी ए इज लेस देन क्या हो गया पी बी। देखिए पी ए का मान पी बी से क्या हो जाएगा छोटा दिया है, ए बी की लंबाई फ्रेंड्स आपको 5 दिया है, तो पी ए की लंबाई यानी x बराबर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स पी क्यू का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 36 इज इक्वल कितना हो जाएगा x, पी ए हो जाएगा, तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा x इंटू कितना हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स कोई x से मल्टीप्लाई करके आपको जो है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना है, अब यहाँ ऑप्शन का सहारा लेंगे, जैसे ही आप 9 रखेंगे 9 5 14 9 बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 9 नहीं होगा, जैसे ही फ्रेंड्स आप 4 रखते हैं x बराबर 4 रखेंगे तो देखिए 5 4 9 और 9 4 36 हो जाएगा, तो यानी देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड जो ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे कि अगर अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सभी लोग कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स जैसा कि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया है, पूरी ईमानदारी से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया जा रहा है और लोगों को पूरी ईमानदारी से जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है, तो फ्रेंड्स अगर सेशन अच्छा लगता है तो जरूर लाइक और शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ से हम कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही रखेंगे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।